नमस्कार। गत रोज चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 1540 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो प्रस्तावित था 2023-24 के राष्ट्रीय बजट में। और इसके अधीन आने वाला जो क्षेत्र है वो लगभग 95 हेक्टेयर भूमि इसके अधीन आएगी रेलवे लाइन बनाने के लिए। यह दो प्रांतों की रहेगी, इसमें हरियाणा एवं हिमाचल। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय जो रेवेन्यू देखते हैं, उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वह इसको लेकर के रेलवे के साथ आ रही आपत्तियों दिक्कतों को लेकर के रेवेन्यू विभाग सहयोग करेगा, वह यह योजना जल्दी ही प्रारंभ और प्रारूप हासिल करे, इसमें प्रदेश सरकार सहयोग करेगी, क्योंकि इससे यहाँ के उद्योग जो पलायन कर रहे हैं उन्हें रुकने में सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि वर्तमान में बिजली की दरें जिस प्रकार से बढ़ी हैं, बीबीएन में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इसके पश्चात केंद्र का यह प्रयास है कि किसी ना किसी तरह से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता रहे और वो स्थिर रहें और उनमें विश्वास की भावना उत्पन्न हो। लेकिन प्रदेश सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है। हम अपेक्षा रखते हैं कि बीबीएन में एक स्वस्थ माहौल बने और वहां पर उगाही जैसी घटनाएं ना घटे। इससे जहां पर उद्योगों को स्थिर होने में मिलेगा, वहीं रेलवे के विस्तारीकरण से, रेलवे के आने से उनके माल भाड़े में भी उन्हें सहायक सिद्ध होगी और दूर दराज के क्षेत्रों में सामान की समयबद्ध डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। इसी अपेक्षा से इस रेलवे लाइन को विस्तारीकरण किया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो इसमें सहायक व सहयोग करने में आगे बढ़कर काम करेंगे। धन्यवाद।